तो इस बार मुझे डेथ टूर की वीडियो बनानी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मैं कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। कुछ तो करना पड़ेगा। भले ही मेरे पास महंगा टेबल और चेयर नहीं है और ना ही 4K डिस्प्ले वाला मॉनिटर है, कैमरा भी साला APS-C है और वेबकैम तो कतई घसी है, लेकिन मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपना RTX ग्राफिक कार्ड का PC और चमकाऊंगा MX मास्टर कीबोर्ड और माउस। सारी महंगी चीजें शुरू में ही दिखा दूंगा ताकि वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बना रहे, बीच बीच में फालतू जोक भी मारने पड़ेंगे ताकि ऑडियंस बोर ना हो। और मेरे फेवरेट यूट्यूबर का आशीर्वाद तो मेरे सर पे है ही। देखते जाओ दुनिया वालों कैसे बिना हाय गाइस बोले व्लॉग बनाऊंगा। एक हाथों पोटैटो चिप्स लूंगा और उसे खा जाऊंगा। तो इंट्रो को ज्यादा ड्रामेटिक हो गया है। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी, ये वीडियो है हमारे डेस्क टूर के बारे में और इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे मेरे टेबल पे कुछ फैला हुआ सामान। कुछ तकनीकी है तो कुछ गैर तकनीकी, जैसे कंप्यूटर, कैमरा, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीजें। तो शुरू करते हैं। तो अगर डेस्क टूर का संधि विच्छेद किया जाए तो पहला शब्द आता है डेस्क। तो शुरुआत हमारी डेस्क से करते हैं। तो ये एक साधारण डेस्क है, बस इसकी शेप L आकार में है। इसकी लंबाई कुछ 130 सेंटीमीटर और चौड़ाई कुछ 45 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, इस वजह से इसीलिए इसमें ऐड किया गया है एक डेस्क एक्सटेंडर जो कि हमारी बेसहारा भुजाओं को देता है सहारा। तो अब नेक्स्ट आता है डेस्क का सबसे ज़रूरी पार्ट, कंप्यूटर। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो वर्क स्टेशन है, एक मेरा पर्सनल कंप्यूटर है और एक फैक्ट्री से मिला है जहाँ मैं मजदूरी करता हूँ। और कॉन्फ़िगरेशन मैं सिर्फ अपने पर्सनल कंप्यूटर के शेयर कर सकता हूँ। अगर ऑफिस के बारे में शेयर किया तो वो लोग मुझे कहेंगे निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो है मदरबोर्ड, रैम, CPU, हार्ड डिस्क और GPU। वैसे कंप्यूटर थोड़ा सा पुराना है तो 2023 के हिसाब से इसकी तुलना ना करें। तो PC में CPU लगा है इंटेल का i9 9th PD और ग्राफिक कार्ड लगा है RTX 3080, रैम है 32 GB DDR4, हार्ड डिस्क लगी है 4, टोटल स्टोरेज है 5 TB और एक SSD लगी है 512 GB की। ये PC मैंने अपने सॉफ्टवेयर्स के नीड के हिसाब से कस्टमाइज कराया था। माउस कंप्यूटर नाम की कंपनी है जापान में जो वर्कस्टेशन बनाती है वहाँ से। तो कंप्यूटर के बाद आते हैं अब इनके मॉनिटर्स पे। तो पहले इस कंप्यूटर में मैंने 3 मॉनिटर अटैच कर रखे थे लेकिन अब वो 3 से हो गए हैं 2। तो इस कंप्यूटर का अभी जो मेन डिस्प्ले है वो है एक इनोसेंट कंपनी का जो कि एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है 44 इंचेस डायगनली, और इसकी जो डिस्प्ले है वो 120Hz की है और ये एक IPS डिस्प्ले है। इसी मॉनिटर के पड़ोस में एक और डिस्प्ले है जिसको मैंने वर्टिकली लगा रखा है, वो है Asus का। ये मॉनिटर इतना खास नहीं है, बस इसको YouTube और Netflix चलाने के लिए रखा हुआ है। और ये मॉनिटर एक आर्म से कनेक्टेड है तो इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट या टिल्ट कर सकते हो। इसी मॉनिटर की बालकनी से ऊपर झांकता हुआ दिखता है एक 720p का वेबकैम और नीचे से दिखता है एक 3 मुहा सांप जो कि फोन चार्ज करने के काम आता है। तो अब आते हैं इस टेबल पर रखी हुई मेरी दो फेवरेट चीजों पर, कीबोर्ड और माउस। तो ये दोनों भाई बहन Logitech MX Master के घराने से हैं और ये दोनों ही वायरलेस हैं। कीबोर्ड की कीज का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है और जो ये आवाज करता है वो भी स्वाद अनुसार है। और साथ में जो ये माउस है इसमें 9 बटन्स हैं जिसमें से 4 क्लिक हैं, 2 स्क्रॉल हैं और 2 मोड चेंज करने के लिए हैं। स्क्रॉल व्हील में 2 मोड आते हैं, एक प्रेसिशन मोड है और एक फ्री स्क्रॉल है, मतलब एक बार इसको घुमा दिया तो ये घूमता रहता है। फायदा क्या है इसका? लॉन्ग फाइल और डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के बहुत काम आता है। और इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी आता है जो कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं इसे फोटोशॉप एटसेट्रा में बहुत यूज करता हूँ। इन दोनों ही कीबोर्ड और माउस में 3 मोड आते हैं, एक दबाओ तो ये PC से कनेक्ट हो जाते हैं, 2 दबाओ तो ऑफिस के PC से कनेक्ट हो जाते हैं और 3 दबाता हूँ तो ये iPad से कनेक्ट हो जाते हैं और 4, 5, 6, 7 दबाते हो तो ये 4, 5, 6, 7 टाइप कर देते हैं। और मेरा जो कीबोर्ड है ये मैकेनिकल नहीं है और RGB तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब मैं 13 साल का नहीं हूँ। और अब अगले गैजेट पे आते हैं जो कि है ये पेन टैबलेट जो कि मेरी डिजाइनिंग में बहुत काम आती है। ये पेन टैबलेट है वैकॉम का इंटोस प्रो। तो मेरे वर्कस्टेशन का सामान तो यहीं तक था, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और भी चीज़ों की तरफ जैसे कैमरा, लेंस वगैरह वगैरह। तो कंप्यूटर के ऊपर जो शेल्फ है उस पर नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कैमरों का मंगल बाजार। और इतने सारे कैमरे होने का रीज़न है एक कीड़ा जो बचपन में मुझे लग गया था, फोटोग्राफी और कैमरे का कीड़ा। तो मेरे पास काफ़ी तरह के कैमरे हैं, डिजिटल कैमरा, रील कैमरा, पोलरॉइड कैमरा और एक्शन कैमरा, एक एक करके आपसे परिचय कराते हैं। तो कैमरों में सबसे पहले कैमरा आता है मेरा ये डिजिटल कैमरा सोनी ZV-E10। यूट्यूब पे जो भी सामग्री डाली गई है उसका श्रेय इन्हीं महाराज को जाता है। ये एक APS-C कैमरा है, APS-C मतलब अजय पांडे का सस्ता कैमरा। और इस कैमरे के साथ है मेरे पास 4 लेंसेज। ये कैमरा तो 1 साल पुराना है लेकिन ये लेंस लगभग 5 या 6 साल पुराने हैं।
तो जो चार लेंस मेरे पास हैं वो है टैमरॉन का 17-70mm, एक सोनी का जूम लेंस, एक सोनी का प्राइम लेंस और एक लेंस है वाइड एंगल। इसमें एक लेंस नया है, बाकी सारे काफ़ी पुराने हो गए। अगला मेरा फेवरेट कैमरा है ये फूजी का सिंपल एस, ये 1200 रुपये का कैमरा है और इसमें 35mm की रीड लगती है, वो पुराने ज़माने वाली। और इसमें टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ एक बटन है और वो बटन खाली फ्लैश ऑन या ऑफ करता है। और ये एक डिस्पोजेबल कैमरा है, मतलब 27 फोटो खींचो, रील धुलवाओ और एक कैमरा फेंक दो, इससे क्लिक पिक्चर्स कुछ ऐसी आती हैं। अगला मेरा फेवरेट कैमरा है इंस्टा मिनी 90, ये एक पोलरॉइड कैमरा है, बहुत ओल्ड स्कूल। ये सारी पिक्स मैंने इसी से क्लिक करी हैं। इसे जैसे ही पिक्चर क्लिक करते हो तो इसकी तुरंत फोटो बाहर आती है। वैसे तो वाइट दिखती है लेकिन एक मिनट के अंदर ये डेवलप हो जाती है, जादुई कैमरा। नेक्स्ट जो कैमरे हैं वो तो बहुत कॉमन है, एक एक्शन कैमरा है जो है GoPro 10, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, और एक 360 कैमरा है Insta 360 X3 जो बाइक पर माउंट होने के काम आता है, जिससे ऐसा लगता है बाइक के आगे जैसे ड्रोन सा उड़ रहा है। और एक ड्रोन भी है जो कि DJI Mini 3 सीरीज का है, जिसे कंट्रोल करती है उसकी बीवी, ये रिमोट। अब आते हैं इस टेबल पर बिखरी कुछ तकनीकी और गैर तकनीकी वस्तुओं पर। तो फ़ोन है मेरे पास 13 Pro Max, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पैंट में मुझे सिर्फ एक बड़ी चीज़ अच्छी लगती है। और एक iPhone 4S भी है जो कि मेरा पहला फ़ोन था मेरी पहली सैलरी से, तो यादों के तौर पे रखा हुआ है। और मैं क्योंकि iPhone के इकोसिस्टम का गुलाम हूँ तो एक एयरपॉड भी है, एयरपॉड्स प्रो, एक ओवरहेड हेडफोन भी है एंकर का, साउंड तो नॉर्मल है लेकिन बैटरी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। इसको लास्ट टाइम मैंने चार्ज अपने मुंडन पे किया था। एक सनग्लासेस हैं जो कि फोल्ड होके इतने से हो जाते हैं, ये 5 साल पुराने हैं और काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ। एक वॉलेट भी है छोटू सा, इसको भी 6-7 साल हो गए हैं, सैलरी के हिसाब से इसका साइज़ है। एक कुलबुलाहट क्यूब भी है जिसको कई लोग फिजिट क्यूब बोलते हैं, इसके हर सरफेस पे कुछ ना कुछ करने के लिए है। मैं मीटिंग में इसे हाथ में लेके बैठ जाता हूँ और कुछ ना कुछ करते रहो। और साथ में एक कप भी है जिससे दिन दहाड़े कॉफ़ी का नशा किया जाता है। अच्छा, डेस्क की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए साइड में एक वॉल्वरिन की स्टैचू भी है जो कि मैंने बहुत पहले 3D में बनाई थी और प्रिंट कराई थी। और एक रॉयल एनफील्ड भी खड़ी है, तो जब मैं PC पे काम करता हूँ तो ये टेबल पे घूमती है और अगर PC पे काम नहीं करता तो रोड पर। कुछ नाइफ्स भी हैं जिसमें से 2 कैंपिंग नाइफ हैं और एक मल्टी टूल के अंदर चाकू छुरी के अलावा कैंची की भी सुविधा मिलती है। साथ में एक छोटा सा बैग भी है जिसमें रखी है सारी इंपॉर्टेंट केबल्स, जैसे टाइप सी, लाइटनिंग केबल, फास्ट चार्जिंग वगैरह वगैरह। राइट पाउच में देखेंगे तो आपको मिलेंगे ड्रोन के प्रोपेलर्स और उनको चेंज करने के लिए एक छोटा सा स्क्रू। और लेफ्ट पाउच में है एक छोटा सा कार्ड बैग जिसमें सारे मेमोरी कार्ड सुरक्षित रखे हुए हैं और इसी में सारे अडेप्टर भी सहेज के रखे हुए हैं, ये ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत काम आता है, सारी केबल ऑर्गेनाइज रहती है तो खिचपिच नहीं होती। और इसी टेबल पे दिखती है एक डायरी जो फिर कभी दिखाएंगे, फिलहाल एक CD बैग दिखाता हूँ जो 2008 का है। इसमें मेरी सारी विंडोज़ की पायरेटेड गेम्स और CDs पड़ी हैं, विंडोज़ 8 से लेके विंडोज़ XP तक। और ये मेरे पास क्यों है ये मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। एक पाउच भी है जिसमें मेरी सारी ट्रैवलिंग की करेंसी, कॉइन, कार्ड, बिल सारा रखा हुआ है, ये कभी टाइम मिला तो इसको किसी डायरी में सहेज के रखूँगा। टेबल के नीचे आते हैं तो एक हीटिंग मैट पड़ा हुआ है जिसमें हीटिंग के 3 मोड हैं जो विंटर्स में बहुत काम आते हैं, इसमें कोई भी बटन दबाओ तो ये गर्म हो जाते हैं और मेरे जिस्म को भी गर्म कर देते हैं। और टेबल पर मिलेंगे आपको कैमरे की बैटरी चार्जर, एप्पल वॉच जिसका स्ट्रैप हमेशा विली ले जाता है, विली एप्पल वॉच के अलावा मेरे पास 3 वॉच और हैं, एक बचपन में कैलकुलेटर वाली जो हुआ करती थी और 2 जी शॉक। अब डेस्टूर की मेन चीज़ें तो कवर हो गई हैं, कैमरा, कंप्यूटर और भी बहुत सारी चीज़ें। अब वीडियो को रैप अप करते हैं। अब सबसे पहले दिखेगा आपको मम्मी पापा की फ़ोटो, उसके नीचे एक विंटेज कोका कोला का माचिस और लाइन से सारे निंजा के मैगनेट दिखेंगे, ये सिंपल मैगनेट हैं। यहाँ पर आते हैं तो आपको रिमोट मिलेगा, ये AC का और ये पीछे LED लाइट का। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे जैपनीज स्टैम्प रखी हुई है, ये मेरी UB की, इसी में आपको दिखेगा शशिकाता और सबसे लास्ट में दिखेगी पेन ड्राइव। ये सारे सामान के साथ मिक्स नाउ मैंने इसलिए यहाँ पे लग रखी हैं। तो जी ये वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। काफ़ी टाइम से लोग डेस्टूर की वीडियो के बारे में बोल रहे थे तो टाइम लगा के वीडियो बना दी, होप आप लोग को अच्छी लगी हो। हमारे एडिटर को भी थोड़ा सा प्यार दें और बाय।